हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल डिजिटल वर्क ऑनलाइन में। दोस्तों, UIDAI यानी आधार कार्ड की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। अगर आप आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट कराने का सोच रहे हैं तो अब आपको थोड़ा ज़्यादा फीस लगेगा, और किनका फ्री में होगा किनका ज़्यादा फीस लगेगा वो हम इस वीडियो में आज जानेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, क्रोम या कोई भी ब्राउज़र ओपन करके यहाँ पर सर्च करना है UIDAI। सर्च करने के बाद जो ये वेबसाइट आएगा इसमें अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है बुक एंड अपॉइंटमेंट, तो इस पर क्लिक करेंगे। वेबसाइट ओपन होने के बाद अब यहाँ एक सेलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है। सेलेक्ट का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी आप एरिया चूज करें, जो हम यहाँ फर्स्ट वाले पे क्लिक करके बुक एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक करते हैं। आप कोई भी एरिया चूज़ कर लीजिएगा जिसको आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, कोई भी एरिया उससे मतलब नहीं है। उसके बाद ऐसा पेज आएगा, इसको ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे। इसमें हमको कुछ नहीं भरना है, आधार अपडेट न्यू आधार मैनेज अपॉइंटमेंट इसमें कुछ नहीं भरना है। ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे धीरे धीरे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर में दिखा जा रहा है चार्जेस फॉर आधार सर्विस न्यू। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट चेक फॉर एज ग्रुप, मतलब अगर आप फिंगरप्रिंट अपडेट कराना चाहते हैं, अपडेट या नया बनाना चाहते हैं 5 साल से 7 साल के लिए बच्चों के लिए, तो फ्री होगा। फिर उसके बाद अगर 7 साल से 15 साल के लिए बनवाना चाहते हैं तो चार्जेबल है, उसको आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। फिर 15 साल से 17 साल के लिए फिर फ्री है, और फिर 17 साल के ऊपर अब जितने भी एज के हैं सबके लिए 100 रुपये चार्ज लगेगा बायोमेट्रिक अपडेट के लिए। उसके बाद नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बायोमेट्रिक अपडेट विथ और विदाउट डेमोग्राफिक अपडेट, मतलब अगर आप बायोमेट्रिक अपडेट कराएंगे और भी कुछ अपडेट कराएंगे, नाम एड्रेस या कुछ भी डेट ऑफ बर्थ, तो उसमें भी आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। और अपडेट अगर सिर्फ बायोमेट्रिक करवा रहे हैं उसमें भी 100 रुपया देना पड़ेगा। उसके नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेमोग्राफिक अपडेट, मतलब आप बायोमेट्रिक छोड़कर एड्रेस डेट ऑफ बर्थ नाम जेंडर ये सब चेंज करवा रहे हैं तो फिर आपको 50 रुपया देना पड़ेगा। उसके नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ई आधार डाउनलोड और एंड कलर प्रिंट ऑन A4 शीट, मतलब अगर कलर प्रिंट निकलवाते हैं ये आधार कार्ड के सेंटर से तो आपको 30 रुपये देना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही नया अपडेट आया था UIDAI की तरफ से, तो इस वीडियो में हम आपको बता दिए हैं।